तो हाय गाइस, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो इनसेन टीवी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 ऐसे एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको देखने चाहिए मरने से पहले। जी हाँ, तो अगर आपने ये एनिमे नहीं देखे हैं तो आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि ये एनिमे देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन सभी एनिमे को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वाओ यार, अच्छा हुआ ये मरने से पहले देख लिया। और मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सभी एनिमे आपको पसंद आने वाले हैं। तो एक पार्ट टू वीडियो है, पार्ट वन में मैंने कुछ एनिमे नहीं डाले थे जिनके लिए लोग बहुत कमेंट कर रहे थे, तो इसी वजह से जो एनिमे छूट गए थे वो मैंने इस लिस्ट के अंदर भी ऐड कर दिए हैं। तो आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड कुछ एनिमे मिसिंग होंगे आई नो दैट, तो पार्ट थ्री भी उसके लिए बन सकता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन से एनिमे और भी ऐड होने चाहिए इस टाइटल के लिए, टॉप 10 एनिमे यू मस्ट वॉच बिफोर यू डाई। टेंथ नंबर पे आता है हमारा जुजुत्सु काइसन, जो कि आपने जरूर देखा होगा। एनिमे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चल रहा है इस टाइम पे, और ये एनिमे की बहुत ही बड़ी फैन बेस बन गई है इंडिया के अंदर। मैंने इसको पार्ट वन में नहीं डाला था क्योंकि उस टाइम सीजन वन ही आया था और इतनी ज्यादा हाइप नहीं थी जितनी अभी के टाइम पे बन गई है इस एनिमे के लिए हाइप। इस एनिमे के अंदर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फाइट्स है एंड बहुत ही अच्छे अच्छे कैरेक्टर है, जैसे कि गोजो की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, और साथ में सुकुना, यूजी, फुशिगुरो और भी बहुत सारा अमेजिंग कैरेक्टर्स है। और इस एनिमे की मुझे सबसे अच्छी बात यह लगती है कि ये सिर्फ मेन कैरेक्टर पे ध्यान नहीं देते हैं, इस एनिमे की खास बात ये भी है ये साइड कैरेक्टर्स पे भी ध्यान देते हैं। जब आप इस एनिमे को आप देखोगे आपको रियलाइज होगा कि ये काफी कुछ नारुतो जैसा मिलता है, लेकिन नारुतो से बिल्कुल डिफरेंट है। इस मंगा के जो राइटर है गेगे, वो बहुत ही ज्यादा ब्लीच एनिमे से इंस्पायर्ड थे। तो ये मस्ट वॉच एनिमे आप लोगों को बिल्कुल देखना चाहिए। इस एनिमे की फिलोसफी, इस एनिमे का एनिमेशन, फाइट्स, कैरेक्टर्स, एवरीथिंग इज सो मच ग्रेट। इसको एनिमेट किया है मापा ने, और तुम लोग को पता है मापा कितने अच्छे एनिमे बनाता है, तो ऑब्वियसली एनिमे आपका मस्ट वॉच जरूर है, उस एनिमे को जरूर देखना चाहिए आप लोगों को। तो नाइन्थ नंबर पे आता है हम मेरा फेवरेट हाजिमे नो इप्पो। इस एनिमे की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, ये एनिमे मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, इस एनिमे से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तो ये एनिमे है बॉक्सिंग के ऊपर, अगर आपको बॉक्सिंग पसंद है तो आपको ये एनिमे जरूर देखना चाहिए, और अगर आपको बॉक्सिंग नहीं भी पसंद है तो भी तुम लोग को एनिमे बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। हाजिमे नो इप्पो थोड़ा पुराना एनिमे, लेकिन उसके बाद भी ये एनिमे तुम लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इस एनिमे का एक्शन एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम लोग को ज़रूर देखना चाहिए। ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग है, तुम लोग को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा अपने गोल्स के लिए, जो भी तुम्हारे गोल्स हैं जिनको तुम अचीव करना चाहते हो, उन गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है ये एनिमे। तो तुम लोग को पता ही होगा ये स्टूडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इस स्टूडियो ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे एनिमे बनाए हैं, वन पंच मैन जैसे। तो तुम लोग को ये एनिमे ज़रूर देखना चाहिए। इस एनिमे के ज़्यादा एपिसोड नहीं, 60 के आसपास एपिसोड होंगे, तो इस एनिमे को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो नंबर 8 पे है वन मोर माई फेवरेट एनिमे, जो कि है GTO ग्रेट टीचर ओनिजुका। मैंने इसको पिछले लिस्ट में नहीं डाला था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैंने इसको अब डाल दिया है। ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इस एनिमे को मैं बस यही बोलूँगा, बिना सोचे समझे तुम देखना स्टार्ट कर दो अगर नहीं देखा है तो। एंड तुम लोग बोलोगे इस एनिमे को मैं हर एक लिस्ट में डालता हूँ अपनी जितनी भी टॉप 10 की लिस्ट होती है, एंड येस बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एनिमे आउट देयर, क्योंकि इस एनिमे की फिलॉसफी, इस एनिमे का इस एनिमे के कैरेक्टर्स, इस एनिमे का मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और ये एनिमे आपको काफ़ी ज़्यादा सोचने में मजबूर कर देता है। तुम लोग को ये एनिमे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है ओनिजुका, जो कि एक टीचर बनना चाहता है, और वो एक एक्स गैंगस्टर है। जी हाँ, ओनिजुका पहले एक बाइकर गैंग में था, लेकिन वो उसे छोड़ देता है, उसको रियलाइज़ होता है कि अब मुझे टीचर बनना चाहिए, तो टीचर बनना स्टार्ट करता है। ओनिजुका भले ही थोड़ा फूलिश कैरेक्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा आपको कोचिकामे के रियुत्सुके की याद दिलाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसका एक खुद का एक अलग से कैरेक्टर है जो कि आपको आगे जाके पता चलेगा। ओनिजुका काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ वाली हरकतें करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फनी है। ग्रेट टीचर ओनिजुका एनिमे वन ऑफ द फनीएस्ट एनिमे से एक है, जो कि आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेंगे। ये एनिमे भले ही पुराना है, ये शायद एनिमे 2002 में आया था, लेकिन इस एनिमे के अंदर जो चीज़ें बताई गई है वो आज भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है, जैसे कि बुलिंग, हैरेसमेंट एंड जो पेरेंट्स के साथ जो बच्चों का इशू होता है, वो उन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा इस एनिमे के अंदर। तो ये एनिमे मस्ट वॉच है, इस एनिमे को ज़रूर देखना, ये एनिमे बिल्कुल भी मिस करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, आपको मरने से पहले ये एनिमे ज़रूर देखना चाहिए। तो नंबर 7 पे है वन एंड ओनली जोजोस बिजार एडवेंचर। दिस एनिमे इज़ वन ऑफ द बेस्ट एनिमे आउट देयर, एंड इस एनिमे को आप किसी भी तरीके में किसी से भी कंपेयर कर लो, ये एनिमे उस एनिमे को काफ़ी ज़्यादा टक्कर देगा, चाहे वो एनिमेशन में ले लो आप, चाहे वो कैरेक्टर्स में ले लो, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स है इस एनिमे के अंदर। तो जो जो उस बिजार एडवेंचर के अंदर आपको जो पसंद आएंगे वो है कैरेक्टर्स, क्योंकि इस एनिमे के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कैरेक्टर्स है एंड विलन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे कि योशिकागे, कीरा, दियो,
ये सभी विलन्स की वजह से, ऐसे टाइप के विलन्स की वजह से ये एनिमे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जोजोस बिजार एडवेंचर का एनिमेशन काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। खासकर जो आर्ट स्टाइल है वो काफी ज्यादा अटपटा लगेगा तुमको स्टार्टिंग में देखने में, लेकिन धीरे धीरे तुम यूज टू हो जाओगे एंड तुम लोग को धीरे धीरे इसका आर्ट स्टाइल जो है बहुत ही ज्यादा पसंद आने लग जाएगा। तो इस एनिमे के म्यूजिक को मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकता हूँ। इस एनिमे के वन ऑफ द बेस्ट ओएसटीज है अगर आप जितने भी एनिमे से कंपेयर करोगे तो। जोजोस बिजार एडवेंचर में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर आप कंप्लेन कर सकते। बात रही आर्ट स्टाइल की, उससे भी आप हो जाओगे, आपको धीरे धीरे पसंद आने लग जाएगा। तो ओवर द टॉप स्टोरी के लिए, ओवर द टॉप एक्शन के लिए ये एनिमे जरूर देखना। इस एनिमे को बिल्कुल भी मिस मत करना। सेनारु कावा गंजिस उचिनारु फूके दा तो कांजिरु करा दारू। तो नंबर 6 पे कोई सीरीज नहीं है, ये एक मूवी है। तो मूवी का नाम है आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास। आई नो नाम तुम्हें कुछ फनी लग रहा होगा, लेकिन ये एनिमे बहुत ही ज्यादा सीरियस है। तो आप लोगों को ये एनिमे एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस एनिमे को देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि लाइफ का मीनिंग क्या होता है। हारुकी नाम का मेन कैरेक्टर है जो कि काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट है और सिर्फ अपनी बुक्स पढ़ता रहता है। तो उस इंट्रोवर्ट लड़के को एक साकुरा नाम की एक्सट्रोवर्ट लड़की मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा फन लविंग होती है, लेकिन शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड वो कुछ ही सालों के लिए जिंदा रहेगी, उसके बाद वो नहीं बच पाएगी। तो साकुरा के पास कुछ ही वक्त होता है अपनी जिंदगी को जीने का, तो वो अपने साथ जीते जीते हारुकी को भी जीने का मतलब सिखाती है। लाइफ का मतलब होता है कि हम लोगों से कैसा बॉन्ड बनाते हैं, किसी को कैसे अटेंशन देते हैं, किसी को कैसे प्यार करते हैं या फिर किसी को कैसे नफरत देते हैं। दिस इज व्हाट इट मीन्स टू बी अलाइव। तो ये एनिमे बहुत ही ज्यादा सीरियस है एंड इमोशनल भी है, एंड में कई लोगों को रोना भी आ जाएगा। इस एनिमे को एक बार जरूर देखो, तुमको पता चलेगा ये एनिमे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एनिमे को एक बार जरूर देखिएगा, इस एनिमे को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो 5th नंबर पे आता है हेल्स पैराडाइज। जी हाँ, तो ये एनिमे बिल्कुल अभी भी आया है, लेकिन ये एनिमे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इस एनिमे को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर इस एनिमे को अभी तक तुमने नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, इस एनिमे के सिर्फ 12 ही एपिसोड है, लेकिन ये एनिमे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसका एनिमेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इस एनिमे का एनिमेशन, एक्शन, स्टोरी तीनों ही चीज काफी ज्यादा लाजवाब है। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो एक निंजा होता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर भी होता है, जो कि किंग के कहने पर लोगों को मारता है, लेकिन एक जगह वो पकड़ा जाता है और उसका एग्जीक्यूशन होने वाला था। जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है मगाबी मारू, इसके पास कोई भी जीने की इच्छा नहीं है, ये जीना ही नहीं चाहता, इसके पास कोई भी लाइफ की इच्छा नहीं है। तो उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है, लेकिन वो मर नहीं पाता है। जो उसके एग्जीक्यूटर्स होते हैं उसको मार नहीं पाते हैं, क्योंकि गाबी मारू को जलाने की कोशिश करते हैं वो नहीं मरता, उसको काटने की कोशिश करते हैं वो तब भी नहीं मरता है। वो बहुत कोशिश करते हैं गाबी मारू को मारने की, लेकिन वो मर ही नहीं पाता। उसको जलाने की कोशिश करते हैं, उसको काटने की कोशिश करते हैं, वो सब कर लेते हैं, लेकिन वो मरता ही नहीं है। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके पास कोई भी जीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को ऐसे मारते हुए निकाली है, लेकिन तब भी उसके दिल के अंदर कुछ एक छोटा सा हिस्सा है जो कि मरना नहीं चाहता है, जो कि किसी के लिए जीना चाहता है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा वो कौन है, क्या है, वो क्यों जीना चाहता है इतना डिप्रेशन में होने के बाद भी, वो तुमको एनिमे देखने के बाद पता चलेगा। तो आगे ये कहानी आपको एनिमे देखने के बाद पता चलेगी, जो कि मैं आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ बिल्कुल भी। तो ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, एनिमेशन इसका मापा नहीं किया है। गाबी मारू का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर होता है, लेकिन वो अच्छा बनने की कोशिश करता है, और वो क्यों अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है वो भी आपको एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इस एनिमे को ज़रूर देखिएगा। इस एनिमे के सिर्फ 12 ही एपिसोड्स हैं और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एनिमे है ये, इस एनिमे को बिल्कुल ही मिस मत करो। और हम नंबर 4 पे आता है डिटेक्टिव कोनन। ये एनिमे भी बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, आपको ये एनिमे जरूर देखना चाहिए। ये एनिमे भी पुराना है लेकिन ये अभी भी चल रहा है, क्योंकि इसके 1000 से भी ज्यादा एपिसोड है। अगर आपको ज्यादा लॉन्ग रनिंग एनिमे पसंद है तो आपको ये एनिमे जरूर देखना चाहिए। अगर आपको वन पीस जैसे लॉन्ग रनिंग एनिमे पसंद है तो आपको ये एनिमे जरूर देखना चाहिए। ये एनिमे वन पीस जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक डिटेक्टिव एनिमे है जिसका मेन कैरेक्टर वो केसेस सॉल्व करता है और जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। इसकी जो स्टोरी है वो कुछ ऐसे है, इसका जो मेन कैरेक्टर है उसका रियल नेम होता है शिनिची, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डिटेक्टिव होता है। तो एक दिन वो कुछ केस सॉल्व करते करते कुछ लोगों को देखता है जो कि होते हैं ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। जब वो उनको पीछे से चुपके से देखता है तो उन्हीं का एक मेंबर शिनिची को पकड़ लेता है। वो शिनिची को जबरदस्ती एक पॉइजन देते हैं जो कि उन्होंने ही बनाया हुआ होता है। वो पॉइजन काम तो नहीं करता है, लेकिन वो पॉइजन शिनिची को एक बच्चे में बदल देता है। शिनिची एक हाई स्कूल का लड़का अब एक बच्चा बन जाता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जो है डिटेक्टिव वाला ही होता है। अब ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसको मरा हुआ समझते हैं तो उसको यूं ही छोड़ देते हैं। अब शिनिची को अपना नाम बदल के कोनन करना पड़ा ताकि वो लोग उसको वापस पकड़ ना ले। अब यहां से कोनन की स्टोरी स्टार्ट होती है कि वो कैसे ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पकड़ेगा और वो कैसे साथ ही साथ केसेस सॉल्व करता रहेगा बच्चा होने के बावजूद भी। इसकी जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर जो जितने भी केसेस होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एनिमे भी बिल्कुल भी मिस करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको वन पीस जैसे लॉन्ग रनिंग एनिमे पसंद है तो तुम लोग को ये एनिमे भी काफी ज्यादा पसंद आएगा। और अब नंबर 3 पे आता है पैरासाइट द मैक्सिम। दिस एनिमे इज वन ऑफ द बेस्ट एनिमे जो कि मैंने अभी तक देखे हैं। इस एनिमे का हर एक चीज मैं बोलूंगा परफेक्ट है,
चाहे आप म्यूजिक ले लो, एनिमेशन ले लो, आप कुछ भी देख लो इस एनिमे का, हर एक चीज एकदम परफेक्ट है एंड जो इसकी क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो पैरासाइट द मैक्सिम भी मैड हाउस ने बनाया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है इस एनिमे के अंदर। इस एनिमे का टोटल 26 एपिसोड है, जो कि ज्यादा नहीं है और आपको भी देखने में बहुत ही ज्यादा आसानी पड़ेगी। तो ये स्टोरी है शिनिची के बारे में, जो कि एक लूजर टाइप का कैरेक्टर होता है, जो कि ज्यादातर अपने घर में ही रहता है। देन एक दिन एक पैरासाइट टाइप का वॉर्म उसकी बॉडी में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता है और किसी तरह से सिर्फ के एक हाथ पे ही ओवरटेक कर पाता है। तो कहानी में हमें आगे जाके पता चलता है कि शिनिची को और उस पैरासाइट को सर्वाइव करने के लिए बाकी पैरासाइट से फाइट करनी पड़ेगी। एंड इसी दौरान शिनिची को काफी अच्छी पावर्स मिलती है, लेकिन वो इंसान होने की सबसे खास चीज को खो देता है, जो कि है फीलिंग्स। वो कुछ भी फील नहीं करता है, वो कुछ भी हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, वो कुछ भी फील नहीं करता है, जिसकी वजह से उसको काफी दिक्कतें आती है। तो इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ये एनिमे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अगर आपने एनिमे नहीं देखा है, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे इस एनिमे को देखने के बाद। एंड मैं गारंटी देता हूँ ये एनिमे आपका वन ऑफ द फेवरेट एनिमे बन जाएगा। अगर आपने अभी तक एनिमे नहीं देखा है तो यू हैव टू वॉच दिस एनिमे। और अब नंबर 2 पे आता है विनलैंड सागा। जी हाँ, ये एनिमे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उसका जो एनिमेशन बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। सीजन 1 जो उसका एनिमेट किया है वो किया है विट स्टूडियो ने, जो कि अटैक ऑन टाइटन का स्टूडियो है। तो अगर आपने ये एनिमे नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहानी है थॉरफिन के बारे में, जो कि एक रिवेंज स्टोरी है, लेकिन सीजन 1 तक। सीजन 1 में पूरी थॉरफिन की रिवेंज दिखाई गई है, और रिवेंज किससे लेता है, क्या लेता है, वो जाने के लिए आपको एनिमे देखना पड़ेगा। एनिमे का एक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये एनिमे स्टोरीसिज्म को काफी ज्यादा प्रमोट करता है। सीजन 2 काफी ज्यादा इसी चीज के ऊपर है, जो कि ट्रेंड चला था यू हैव नो एनिमीज, वो यहीं से चला था, इसी एनिमे से चला था। तो अगर आपने ये नहीं देखा है एनिमे तो आपको जरूर देखना चाहिए। विनलैंड सागा में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कैरेक्टर्स है, जैसे कि मेरा फेवरेट है आसलेट, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है। वो काफी ज्यादा ग्रे कैरेक्टर है, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको उससे हेट करनी है या फिर आपको उससे नफरत करनी है, लेकिन धीरे धीरे आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इन द एंड यू गोना लव दिस कैरेक्टर। आगे आपको नहीं बताऊंगा ज्यादा, आपको एनिमे देखना पड़ेगा, एनिमे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो इस एनिमे की भी कुछ ज्यादा एपिसोड नहीं है, तो आपको ये एनिमे जरूर देखना चाहिए, ये एनिमे मिस करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये एनिमे काफी ज्यादा इंपैक्ट छोड़ेगा आपकी लाइफ के ऊपर, अगर आप इस एनिमे को समझते हो तो। अब नंबर 1 पे आता है मॉन्स्टर। अगर आपने एनिमे नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए एनिमे, ये एनिमे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एनिमे है। मॉन्स्टर की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, इस एनिमे के अंदर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कैरेक्टर्स है, जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। ये काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल एनिमे है, जो कि आपके माइंड को बहुत ही ज्यादा सोचने पे मजबूर कर देता है। इस एनिमे की मैं ज्यादा बुराई नहीं करूंगा, अगर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करूं तो मॉन्स्टर में बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें भी है, जैसे कि कैरेक्टर्स ले लो आप, मेरा फेवरेट योहान है एंड डॉक्टर तेनमा है, जो कि दोनों ही एंटैगनिस्ट एंड प्रोटैगनिस्ट है, काफी ज्यादा पसंद आते हैं। और भी साइड कैरेक्टर्स है जो कि आपको अच्छे लगेंगे, एंड कुछ साइड कैरेक्टर्स आपको फालतू लगेंगे, लेकिन फिर भी ये एनिमे आपको मजबूर कर देगा अपना दिमाग यूज करने के लिए। आपको रिलैक्स होगा ये एनिमे कितना ज्यादा जरूरी है हम सभी के लिए। अगर इसकी स्टोरी की बात करूँ, इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है टेनमा, डॉक्टर टेनमा, वो एक डॉक्टर होता है, उसकी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी चल रही होती है, एंड जो हॉस्पिटल का ओनर होता है उसकी बेटी से वो शादी भी करने वाला होता है, उसकी फियोन से होती है। तो मुझे जितना याद है मैं आपको बता रहता हूँ कि स्टोरी में कुछ ऐसा होता है, तो डॉक्टर टेनमा की लाइफ काफी ज्यादा सेट चल रही होती है, काफी ज्यादा सक्सेसफुल बन रहा होता है, लेकिन वो हॉस्पिटल की पॉलिटिक्स से काफी ज्यादा परेशान भी होता है। तो जहां तक मुझे याद है, एक बड़ा कोई पॉलिटिशियन होता है जिसका कोई ब्रेन का ऑपरेशन होना होता है, और दूसरी तरफ एक बच्चा होता है छोटा सा जिसके हेड में गोली लगी होती है। तो डॉक्टर टेनमा के पास चॉइस होती है कि दोनों में से किसका पहले ऑपरेशन करना है। तो पूरा हॉस्पिटल को सजेशन देता है कि प्लीज इस पॉलिटिशियन का पहले ऑपरेशन करो, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन डॉक्टर टेनमा ह्यूमैनिटी के लिए उस बच्चे को पहले बचाता, क्योंकि वो बच्चा पहले आया हुआ था। तो उस बच्चे का वो ऑपरेशन कर तो देता है, वो सक्सेसफुली वो बच्चा बच जाता है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर टेनमा को काफी ज्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ता है। एंड जिस बच्चे को उसने बचाया होता है वो बच्चा बड़ा होकर बनता है योहान। ये कैरेक्टर ही इस कहानी का एंटागनिस्ट है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस कैरेक्टर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलेंस। योहान काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव होता है। योहान ऐसा विलेन है वो आपका मर्डर नहीं करेगा, वो आपको मैनिपुलेट करेगा कि आप खुद अपना मर्डर करो, आप खुद सुसाइड करने में मजबूर हो जाओ, वो ऐसे टाइप का विलेन है। योहान का जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा स्मार्ट दिखाया है, एंड डॉक्टर टेनमा का भी कैरेक्टर जो है काफी ज्यादा अच्छा है, पॉजिटिव है। तो इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव की फाइट दिखाई गई है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। अगर मैं इस एनिमे की स्टोरी के बारे में बात करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है कंप्लेंट करने के लिए। जो मॉन्स्टर एनिमे है, मुझे नहीं लगता कि इसकी स्टोरी को कंप्लेन करने लायक कुछ है भी। लेकिन हाँ, इस एनिमे का स्टूडियो है मैड हाउस, एंड मैड हाउस ने कुछ मिस्टेक्स की है मुझे ऐसा लगता है इस एनिमे को बनाने में, एंड इसका एनिमेशन भी काफी ज्यादा कुछ खास नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ ये एनिमे पुराना है, लेकिन इससे भी पुराने पुराने एनिमे हैं जो कि मैड हाउस ने अच्छे एनिमेट किए हैं, एंड इसका स्क्रीन प्ले भी कभी कभी बोरिंग हो जाता है। तो इन चीजों को अगर आप इग्नोर करो, ये एनिमे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे से एक है, एंड इसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये एनिमे आपको बीच में थोड़ा सा बोर कर देगा, लेकिन इस एनिमे को छोड़ना मत, क्योंकि इस एनिमे को जो आप कंप्लीट कर लोगे
आपको इसके कंपैरिजन में कोई भी एनिमे पसंद नहीं आने वाला है। तो ये एनिमे ज़रूर देखना, ये एनिमे मिस करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, आपको मरने से पहले ये एनिमे ज़रूर देखना चाहिए। तो गाइज ये थी लिस्ट टॉप 10 एनिमे यू शुड वॉच बिफोर यू डाई। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई ऐसा एनिमे है जो कि इस लिस्ट में होना चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या पता मैं उसे नेक्स्ट पार्ट में ऐड कर दूँ। तो अगर आप वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, 3000 से ज़्यादा लाइक आए तो मैं इस वीडियो का थर्ड पार्ट भी बनाऊंगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसे ज़रूर देखना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आरा आरा सायोनारा।